Hello students, today I am going to start new chapter in ES time. Student, time का मतलब क्या होता है? समय. Time का मतलब क्या होता है? समय. आप हम सभी लोग जानते हैं कि हम अपना काम जो है सुबह मॉर्निंग से लेके टिल नाइट तक कुछ ना कुछ वर्क हमारा होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग में हम लोग वेकअप करते हैं, मतलब उठते हैं, ठीक है. उसके बाद हम अपना ब्रेकफास्ट लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग स्कूल जाते हैं. हमारा एक टाइमिंग सेट होता है, एक रूटीन सेट होता है कि कब हमें उठना है, कब हमें स्कूल जाना है, कब हमें लंच करना है, ठीक है. इवनिंग टाइम में हम कुछ टी वगैरह लेते हैं, देन नाइट में हम लोग अपना डिनर करते हैं, राइट. आफ्टर डिनर फिर हम लोग स्लीप सोने के लिए चले जाते हैं, नियरली 10 o'clock, ठीक है. 10 बजे तक हम लोग रात को सोने चले जाते हैं. तो हमारा एक रूटीन सेट होता है, हम उसी को क्या कहते हैं? टाइम, ठीक है. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? सो टाइम क्या है? टाइम को हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं. मेजरमेंट का मतलब हम किसी चीज को जब नाप सकते हैं, ठीक है. और कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं टाइम को मेजर करने के लिए, राइट, वो मैं आपको बताती हूँ. जैसे मेजरमेंट डे नाइट, डे नाइट, आवर, मिनट एंड सेकेंड, राइट. इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज करते हैं, जैसे अगर हमें टाइम देखना है कि अब हमारा इस समय कितना टाइम हो रहा है, तो हम लोग अपने वॉच में देखते हैं कि कितना टाइम हो रहा है, ठीक है. आपके घर में जब आप स्कूल के लेट होते हैं तो जल्दी से टाइम आप देखते हैं. सो हम लोग क्लॉक यूज करते हैं, सन डायल यूज करते हैं, ठीक है. सन डायल क्या होता है स्टूडेंट्स? एक टाइप का क्लॉक होता है, वो अर्ली टाइम में यूज किया जाता है. ऐसे सन की तरह होता था इस तरीके से, और यहाँ पे टाइमिंग को मेजर किया जाता है. अर्ली टाइम में ये एक टाइप का क्लॉक था, ठीक है. इसे पीपल लोग यूज करते थे, ठीक है. जिसे हम क्या कहते हैं? सन डायल, मतलब सन वाला क्लॉक है, ठीक है. इसे सन डायल कॉल है, ये पहले यूज किया जाता था इस टाइप का क्लॉक, ठीक है. उसके बाद वॉटर क्लॉक जो हम इंडियंस वगैरह यूज करते हैं, एंड सैंड क्लॉक. सो दिस ये मेजरमेंट है और ये इंस्ट्रूमेंट है जो हम लोग टाइम के लिए यूज करते हैं. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? नाउ स्टूडेंट्स, आवर डे, हमारा जो दिन है, आवर डे इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में डिवाइड होता है. आवर डे जो हमारा दिन है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है. कब? जब टाइम, द टाइम व्हेन वी हैव लाइट, जिस समय हमारे पास लाइट होगा वो क्या होगा? डे टाइम होगा, राइट. द टाइम व्हेन वी हैव लाइट, जब लाइट होगा तो वो कौन सा, जिस टाइम पे लाइट होगी वो कौन सा टाइम होगा? वो डे टाइम होगा. और व्हेन देयर इज, जिस टाइम पे लाइट नहीं होगा, द टाइम व्हेन वी हैव लाइट इट इज डे. व्हेन देयर इज नो लाइट, जब जिस समय लाइट नहीं होगा उसे हम क्या कहेंगे? नो लाइट, हम उसे क्या कहेंगे? नाइट, राइट. सो आवर डे इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, द टाइम व्हेन वी हैव अ लाइट इट इज डे, व्हेन देयर इज नो लाइट इट इज नाइट, राइट. द मून इज इन द स्काई एट नाइट टाइम, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था. ड्यूरिंग डे टाइम व्हेन वी लुक अप इन द स्काई, व्हाट डू वी सी? वी सी सन. एंड ड्यूरिंग नाइट टाइम देयर इज नो स्काई, सॉरी, ड्यूरिंग नाइट टाइम देयर इज नो सन, उस टाइम कोई सन नहीं होगा, ठीक है. उस टाइम क्या हम देखेंगे स्काई में? What do we observe? We observe moon and many stars, right? A day and a night together is of 24 hours, right? Clear आप सभी को? Now students, हमारे जो time होता है, time के बहुत सारे units होते हैं. जो समय होता है उसका बहुत सारा unit होता है. आप लोग जानते हैं, जैसे हम लोग किस में मेजर करते हैं? जैसे सेकेंड, मिनट, दीज आर द यूनिट्स. सेकेंड, मिनट्स, आवर, ठीक है, और डे, वीक,
Now, students, morning hours are referred to as AM and afternoon would be referred to the time as PM. ठीक है? So, next आपको क्या समझ में आया कि जब भी हम लोग morning में जब हम लोग उठते हैं तो morning का जो time होता है वो हमेशा उसको हम AM से denote करते हैं. किससे? Morning को जैसे we have breakfast. अगर हम लोग breakfast करते हैं, we eat, we has breakfast. अगर हम morning time में क्या refer करेंगे? You need AM. ठीक है? AM. और ठीक है morning. And then टू मतलब 12 o'clock के बाद हम लोग क्या यूनिट यूज करेंगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग टी ले रहे हैं इवनिंग टाइम में, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? यूनिट पीएम. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठते हैं 8 AM. ठीक है? और हम लोग मान लीजिए पीएम में हम लोग शाम को इवनिंग में खेलने जाते हैं. ठीक है? सो 3 PM और 12 o'clock पे हम कोई भी यूनिट नहीं अप्लाई करेंगे. एएम पीएम कुछ नहीं यूज होगा. क्लियर? अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? सो मॉर्निंग आवर्स आर रिफर टू एज एएम, आफ्टरनून वी रिफर टू द टाइम एज पीएम. फॉर एग्जाम्पल Neil has breakfast at 8 AM. He has snacks at 3 PM. We do not use AM or PM for 12 noon or 12 midnight. Understood all of you? So now students, your chapter is completed. Thank you so much to all.